मेरे साथ मेडिकल टीम है, कोशिश कर रही है। हमारा 3 दिन का कैंप लगा है कि माड़ी के अंदर जो बॉक्स बे के अंदर है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग हैं बीमार हैं, जल्दी अमराज है इनके अंदर, और स्टमक की प्रॉब्लम है, टेम्परेचर है, तो इंशाल्लाह कोशिश करें इनको भरपूर मेडिसिन वगैरह दी जाए। और कल इंशाल्लाह ताला हम लोग फूड वगैरह राशन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कंटेनर लेकर आए हैं, उनमें इनके लिए शूज़ हैं, कपड़े हैं, मेडिसिन फूड है, और यही कोशिश कर रहे हैं कि जितना इंसानियत की खिदमत कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े शुक्रगुजार हैं यहाँ पे ज़ियाउल उलूम के, वो भरपूर हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। इनका जो बेस है यहाँ पर लियारी के अंदर है, आगरा ताज कॉलोनी के अंदर, सैलानी वेलफेयर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये भरपूर हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह छोटे से वक्त में हमारी कोशिश है कि जो हमारे डॉक्टर्स आए हैं वो भरपूर तरीके पर काम कर सकें। और इसके बाद सेकंड जो हमारा है कैंप है, वो हमारा नॉर्दर्न बाईपास जो है मोटरवे, वहाँ पर हम इंशाल्लाह लगाएंगे। हाँ जी, पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया और कर रहे, हमें ये इंस्पायरेशन या हमें जिस सोच मिली है, हम गैम्बिया में काम कर रहे थे अफ्रीका के अंदर, और मेरे साथ कुछ रिवर्ट मुस्लिम्स, कन्वर्ट मुस्लिम्स सिस्टर्स हैं, और हम वहाँ पर भरपूर माशाल्लाह काम कर रहे हैं, और कुर्बानी प्रोजेक्ट भी हमारा है, IT स्कूल है, वेल बनवाते हैं, इस वक्त हमारे पास 22 जो है पानी के कुएँ जो हमने तैयार करवाए हैं, इसी सोच के साथ यहाँ पर आए, और जुनेद जमशेद भाई उनके साथ भी मैं काम कर रही हूँ। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस मुसीबत से निकाले और जितनी जल्दी हो सके। आप सबको शुक्रगुजार हैं कि आपने भी मौका दिया, और हमारी समझते हैं कि इस सर्विस को आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सेकंड टीम के साथ, उसमें हमारे साथ सर्जन्स भी होंगे, तो जब तक कि शायद ये लोग घरों में वापस चले जाएँ, वहाँ पर एक भरपूर हॉस्पिटल कायम करने का ख्याल कर रहे हैं, घर बनाएंगे इंशाल्लाह, उसका हमने एस्टीमेट ले लिया है। इस तरह छोटे छोटे काम है जो मैं समझती हूँ कि ज़रूरी है इस वक्त करने के लिए। आखिरी बात यही कहना चाहूँगी कि बहुत दुआ करती हूँ कि पाकिस्तान आते, मेरा वतन है स्पेशली कराची, मेरा शहर है, अल्लाह ताला हम सबको हमेशा हर मुसीबत से बचा कर रखे, और वहाँ मिलकर, क्योंकि हम बाहर रहने वाले बहुत दर्द महसूस करते हैं जब भी हमारे मुल्क में कोई मुश्किल आती है, तो मैं समझती हूँ कि यहाँ के लोगों में भी वही क्वालिटी अगर हो जाए तो मिलजुल के जो भी आफात आ रही हैं, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, इसमें हम भरपूर तरीके पर सब्र के साथ, सुकून के साथ, हम्बलनेस के साथ काम करें, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी से सारा वाफा।